नोएडा पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जो हिरासत में विदेशी लिए गए थे वो थाने से भाग गए, क्या पूरा मामला है, कितने विदेशी? नोएडा पुलिस ने एक ऑपरेशन क्लीन के तहत बहुत ही इनोवेटिव आइडिया के अंतर्गत जो जितने भी फॉरनर वहाँ गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे उसका एक अभियान छेड़ा था, उसमें काफ़ी लोग पकड़े भी गए थे और कानूनी विधिक प्राविधानों के तहत ही पुलिस लाइन को अस्थाई डिटेंशन सेंटर बनाया गया था और वहाँ से जो गार्ड की लापरवाही से कुछ फॉरनर भाग गए, बाद में उनमें से कुछ को पकड़ भी लिया गया है। लेकिन जो ये पूरा आइडिया था वो ये था कि ऑपरेशन क्लीन, जो इस तरह के लोग ड्रग इत्यादि के धंधे में लिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, तो लापरवाही का पक्ष भी एक पहलू है और उस पर जो दोषी हमारे कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और उसमें सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो एक नया स्कीम चलाया गया है उसके तहत जो एनसीआर में रहने वाले, इस तरह से अवैध रूप से रहने वाले लोग हैं और जो अपना पासपोर्ट गुम कर देते हैं या गुम करा देते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध एक विशेष अभियान छेड़ के हम लोग उनकी डिटेंशन की कार्रवाई शुरू कर रखी है। ये किस थाने का मामला था? ये सभी जगह जगह जितने भी हमारे नोएडा के अंतर्गत जो लोग भी रह रहे थे उन सभी को अप्रीहेंड करके और पुलिस लाइन में एक डिटेंशन सेंटर घोषित किया गया था, उसी में रखा गया था जहां से ग्रिल तोड़ के इनके निकलने की बात प्रकाश में आई है।